भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दिनचर्या के विषय में चर्चा चल रही थी और प्रातःकाल उषा पान करके, जलपान करके हम मलमूत्र के वेग को त्यागें। मलमूत्र के वेग को धारण करना, इसके साथ साथ अन्य जो शरीरगत मल विसर्जन होते हैं उनको यदि हम रोकने का प्रयास करते हैं तो उससे अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं, और ऐसे रोग हो जाते हैं कि बहुत ही असाध्य रोग होते हैं जिनकी चिकित्सा करना बड़ा ही असंभव हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन बहुत ही दुखदायी हो जाता है, दूसरों के लिए भी वह पीड़ा देता है और स्वयं पीड़ित रहता ही है। तो हम उन रोगों को पनपने ही ना दें, आने ही ना दें, इसके लिए हमको बहुत ही जागरूकता पूर्वक, ध्यान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक किन वेगों को धारण करना चाहिए, किन वेगों को नहीं धारण करना चाहिए, इस बात को जान करके तदनुसार अपना आचरण करना चाहिए। निसंदेह उससे हम तन और मन दोनों से स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको एक श्लोक के माध्यम से यह संकेत किया गया था कि जो वेग धारण करता है वो रोगी होता है, इसलिए इन वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। वेगान्ना धारयेत् वाता विणमूत्रा क्षवत्रिक्षुधाम निद्राकाशश्रमश्वासा जृम्भा श्रुता छर्दिरेतसाम। ये 13 चीज़ें जो बताई गई हैं वो 13 चीज़ों को हमको धारण नहीं करना चाहिए। और इसको जो व्यक्ति अपने आचरण में लाता है वह निरोगी हो जाता है, उसको कोई रोग नहीं होता है। परम पूज्य आचार्य श्री ने एक पुस्तक लिखी है, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य में भी आचार्य श्री ने बहुत ही अच्छे ढंग से इसका वर्णन किया है कि किन वेगों को रोकते समय हमारे अंदर शारीरिक पीड़ा होती है और धीरे धीरे वह भयंकर रोगों का रूप ले लेती है। पुनः उन चीज़ों को हम समझ लें कि 13 कौन कौन सी चीज़ें हैं। 13 चीज़ों में जो मलमूत्र है, मूत्र के वेग को रोकते हैं तो उससे भी अनेक प्रकार के रोग होते हैं, और मल के वेग को रोकना ये दूसरा हो गया। तीसरा शुक्र अर्थात वीर के वेग को रोकना, निकलते हुए वीर को रोकना ये भी बहुत घातक होता है। अधोवात अपान वायु, दूषित वायु का दबाव सहन करना ये रोगों का कारण होता है। वमन उल्टी का वेग रोकना, डकार का वेग रोकना, डकार आ रही है लेकिन आप उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आठवां जंभाई लेना, जंभाई आ रही है आप उसके वेग को रोक रहे हैं, ये भी रोग का कारण होगा। नौवां है भूख का वेग, भूख लग रही है लेकिन आप जबरदस्ती भूख के वेग को सहन कर रहे हैं। इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि आप लोलुपता पूर्वक जीवन व्यतीत करें, थोड़ा थोड़ा तो कुछ ना कुछ हमको
सहन करना ही चाहिए, सहन करते, द्वंद्व सहनम तपा, सहन तप यदि करना है तो सहन थोड़ा सा करें कि थोड़ी सी भूख लगी, थोड़ी सी प्यास लगी तो व्याकुल हो गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। और दसवां, प्यास का वेग रोकना। ग्यारहवां, आंसुओं के वेग को रोकना। आंसू आ रहे हैं, आप उसको रोकना चाहते हैं, ये भी रोग का कारण है। बारहवां, तीव्र श्वास का रोकना, अर्थात जो श्रम से उत्पन्न हुआ श्वास है, आप अधिक परिश्रम करते हैं, व्यायाम अधिक करते हैं, दौड़ते हैं या अन्य कार्यों को करते करते आपको दीर्घ श्वास आ रही है, लंबे श्वास आ रहे हैं और उसको आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं, नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी रोग का कारण है। और तेरवा है निद्रा का वेग। निद्रा आ रही है और जबरदस्ती आप उसको रोकने का प्रयास करते हैं तो वह भी हानिकारक है। थोड़ा सा संकेत मैं करना चाहूँगा कि किन रोगों को हम बढ़ावा दे देते हैं, इन छोटी छोटी बातों को न जानते हुए। जैसे खांसी ही आती है, खांसी आती है और खांसी के वेग को रोकने से जब कोई व्यक्ति रोगी होता है तो इससे अनेक प्रकार के जो है रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इससे हृदय रोग भी हो सकता है, श्वास फूलना, क्षय रोग, हिक्का आदि की भी आशंका रहती है यदि हम कास का वेग रोकते हैं तो। और जो व्यक्ति इसका उपचार भी नहीं करता है, एक तो ये है कि ये चीज उत्पन्न ही ना हो, दूसरी यदि उत्पन्न हो गई है तो उसका कुछ उपचार हमको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हो गई तो हो गई, उपचार करेंगे तो निसंदेह वह हमको लाभकारी होगी। तो कोई भी वेग ना नहीं रोकना चाहिए। तो जो मूत्र वेग है, मल वेग है, मूत्र के वेग को रोकने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो मूत्र का जो अवरोध है उसको करने से मूत्र के वेग रोध अर्थात मूत्र त्याग की आवश्यकता अनुभव होने पर भी मूत्र त्याग न करने से मूत्राशय, लिंग, पेट के निचले भाग, मूत्र मार्ग, गुर्दों, मूत्रवाह स्रोतों में पीड़ा होती है तथा पेट में अफारा दर्द, मूत्र कृक्ष अर्थात मूत्र त्याग में कठिनता अनुभव होने लगती है, सिर दर्द होता है, शरीर झुक जाता है, जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं, अंग अंग में टूटने की सी पीड़ा और पथरी रोग होना निश्चित होता है। इसलिए किसी भी स्थिति में मूत्र के वेग को कभी रोकना नहीं चाहिए, भयंकर बीमारियां होती हैं इससे। इसके अतिरिक्त मूत्राशय की कमजोरी, बार बार मूत्र संवहन स्थानों में शोथ, अनेक प्रकार की विकृतियां भी होने की संभावना रहती है। उदर पर मालिश, टब, स्नान तथा नाक में घी जो है नसवार डालकर तथा तीन प्रकार के एनीमा से यदि ऐसे रोग हो जाएं, इसके कारण मूत्र के अवरोध को रोकने से यदि ये रोग हो जाएं तो इन क्रियाओं को करने से इसका उपचार किया जा सकता है। और कुछ मूत्रल औषधियां लेकर के मूत्र में जो कृक्ष होता है, कष्ट होता है, उसको हम दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार से मल के वेग को रोकने से आपको शौच जाना है, टॉयलेट जाना है, लेकिन आप बैठे हुए हैं, आप कंबल से निकल नहीं रहे हैं या लोक लाज के कारण आप जा नहीं रहे हैं, कार्य की व्यस्तता के कारण आप शौच के लिए नहीं जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं उसमें भी मजबूरी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो सफर हो या घर हो या बाहर हो, कहीं भी हो, यदि आप वेगों को रोकेंगे तो उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। तो टट्टी रोकने से क्या हानियां होती हैं
उसके लिए यहाँ पर कहा कि मल के वेग रोध अर्थात मल का वेग होने पर भी मल त्याग न करना, उससे क्या होता है शूल दर्द शुरू हो जाता है, पेट में तीव्र दर्द होता है, सिर दर्द भी होता है, मल और अधोवात गैस को त्याग करने में रुकावट। फिर आपने जब जैसे हमने कल चर्चा की थी कि जब ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, जब शरीर या आपके पेट में वो अन्न पच गया उसको निकालने की आवश्यकता प्रकृति को महसूस होती है और आप निकाल नहीं रहे हैं, उसकी संवेदनशीलता को आप जबरदस्ती रोक करके असंवेदनशीलता ही उसकी बढ़ा रहे हैं। जब स्वाभाविक प्रक्रिया को आप रोकेंगे तो वो स्वाभाविक प्रक्रिया क्या हो जाएगी, अस्वाभाविक हो जाएगी। फिर आप जब चाहेंगे कि मैं शौच के लिए जाऊं तो फिर आपको शौच नहीं होगी, आपको शौचालय नहीं होगा, आप जो है टट्टी में बैठे रहे, लेट्रिन में बैठे रहे, शौचालय में आप फिर इंतजार करते रहे, वो फिर क्योंकि असहज हो गया ना, वो प्रक्रिया असहज हो गई। इसलिए मलमूत्र के वेग को रोकना, यदि आपको शौच की शंका है तो शंका को जरूर दूर करें। इससे क्या होता है कि फिर आपका जो अधोवायु है, जो गैस है, वो भी नहीं निकलेगी। मल त्यागने की बात छोड़ो, वायु भी नहीं निकलेगी, क्योंकि वो क्रिया उल्टी हो गई, आपने उसको जबरदस्ती ऊपर की ओर प्रेशर दिया, वो जब स्वाभाविक था तब तो नीचे आ रहा था, आपने उसको जबरदस्ती ऊपर करने का प्रयास किया तो वो धीरे धीरे फिर आपको रोगी बना देता है। तो इसको मल के वेग को रोकने से जंघाओं की, जो है जंघा की पेशियों में ऐठन, पेट में अफारा, प्रतिशाय और मल द्वार में कैंची से काटने जैसी पीड़ा होती है, हृदय की गति में रुकावट तथा मुख में दूषित अन्न का निकलना आदि शिकायतें उत्पन्न हो जाती हैं यदि आप मल के वेग को रोकते हैं। इसके उपचार के लिए सिकाई करें, मालिश करें, तब स्नान करें और बस्ती क्रिया आदि, एनीमा आदि का प्रयोग करें। खाने में पपीता, हरी सब्जियां, फलों का रस आदि विरेचक दस्तावर खाद्य पेय पदार्थों का सेवन करने से फिर वह जो प्रक्रिया दूषित हो गई वो फिर से ठीक हो जाती है। अगली बात, शुक्र अर्थात वीर्य के वेग को रोकने से जो बीमारियां पैदा होती हैं, इसके जो है रोकने से अनेक प्रकार के रोग होते हैं, अन्न कोशों में दर्द, शोथ, ज्वर, घबराहट, हृदय प्रदेश में दर्द, मूत्र के प्रवाह में रुकावट आदि कष्ट होते हैं। इससे अंगों में टूटन सी पीड़ा, अंगड़ाई आना और अंडवृद्धि, अस्मरी तथा नपुंसकता जैसे रोग हो सकते हैं यदि आपने जो है निकलते हुए प्रवाह को रोका। उत्तम स्थिति यह है कि आप ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन व्यतीत करें, ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो। कल संजीव जी जैसे पूछ रहे थे, वो अति उत्तम स्थिति है, लेकिन किसी कारणवश यदि ऐसा होता है तो उस स्थिति में आप उसको रोके नहीं, इसी में भलाई है। और कह रहे हैं इन जटिलताओं को दूर करने के लिए, अब ऐसा हो जाए, परेशानी हो जाए, तो टप का स्नान और शाली धान और दूध का सेवन करना चाहिए। शाली चावल बहुत ही उपयोगी होता है। चिकनाई रहित तो बस्ती क्रिया एनीमा का प्रयोग करें, इसमें मूत्रल औषधियों जैसे गोखरू से पकाए गए दूध का भी सेवन लाभकारी है। तो इन उक्त वेग रोध से उत्पन्न समस्याओं से बचने के लिए आयुर्वेद में जो ब्रह्मचर्य युक्त संतान उत्पत्ति के लिए, जैसे शुक्र के प्रवाह को रोकने की यहाँ पर मनाही की जा रही है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति व्यभिचारी हो करके अब ब्रह्मचर्य युक्त इसका व्यवहार करता है तो वह उसकी अमर्यादा है, मर्यादा उसकी नहीं है। इसलिए आवश्यक शुक्र वेग को जो है अपने ब्रह्मचर्य के द्वारा, अपने विचार के द्वारा रोक करके रखें। इसके लिए उत्तेजना पैदा करने वाले साहित्य, चलचित्रों को,
दूषित अश्लील साहित्यों को, गंदी बातों को नहीं सुनना, नहीं देखना चाहिए, जिससे हम स्वयं ब्रह्मचर्य में स्थित रहें और ऐसे दृश्यों से बचें जो हमको अब्रह्मचर्य की ओर ले जाते हैं, हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा करते हैं। आहार में मिर्च मसाले गरिष्ठ तथा तामसिक पदार्थों के सेवन से भी बचना चाहिए। सात्विक पथ्य व मित भोजन लेना चाहिए। अधिक भोजन करने से भी हमारा शरीर बहुत ही अच्छा है, बलिष्ठ है, भावनाएं भी अच्छी हैं, लेकिन कभी स्वादिष्ट भोजन मिल गया या अधिक उष्ण पदार्थों का सेवन करने से भी जो है शुक्र निकल जाता है, तो इससे हम बचें, इन चीज़ों से बचें, गरिष्ठ भोजन से बचें, रात्रि में हल्का भोजन लें और अश्लील साहित्य से बचें, दृश्यों से बचें, ऐसे विचारों से बचें, तो वह स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाएगी। अधोवायु के वेग को रोकने से, जो एक हमने कहा अधोवायु और ऊर्ध्वायु, अभी आगे बात आएगी, तो ऊर्ध्वायु मतलब डकार, अधोवायु मतलब जो है हम मल द्वार से वायु, दूषित वायु छोड़ते हैं, तो अधोवायु के वेग से अर्थात पेट के निचले भाग में वात एकत्र होकर के संकोचवश उसका वेग रोकने से, मल द्वार में उसका विसर्जन न करने से वात दोष कुपित हो जाता है। वात दोष, जब आप विषैली जो गैस है वात को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, उल्टा ऊपर की ओर प्रेशर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जा करके वात अपना जो है स्थान बनाएगी, हाँ, जहाँ उसको खाली स्थान मिलेगा वहाँ जा करके वह अपना स्थान बनाएगी, तो कभी कभी आंतों में, कभी जो है सीने में, कभी गले में, कभी सिर में वह अपना प्रभाव छोड़ती है, जिससे हमको अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। तो अधोवायु के वेग को रोकने से इसमें मल मूत्र और गैस को निकालने में रुकावट पैदा होती है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, ये जो भी हमारे अंदर प्रक्रिया होती है शरीर के अंदर, चाहे मल त्याग की हो, मूत्र त्याग की हो, या रक्त जो संचार होता है, वो बिना वायु के हो नहीं सकता। वायु से ही ये सारी प्रक्रियाएं चलती हैं, वायु के दबाव से, वायु के सहयोग से। ऑक्सीजन का लेवल जब तक नहीं ठीक होगा, तब तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो सकता। ऑक्सीजन और ब्लड दोनों मिलकर के शरीर को गतिशील करते हैं, क्रियाशील करते हैं, क्योंकि रक्त संचार का मुख्य साधन क्या है? ऑक्सीजन है, प्राणवायु है। प्राणवायु का संचार जिस अंग में नहीं होगा, उस अंग में रक्त संचार भी नहीं होगा। तो ये वायु का यदि हम रुकावट उसमें करते हैं, तो ये बड़ा हानिकारक है। इससे मलमूत्र और गैस को निकालने में रुकावट, पेट में अफारा दर्द, थकावट, सुस्ती एवं पेट के दूसरे रोगों को उत्पन्न करने में यह सहायक है। इससे नेत्र रोग, हृदय की धड़कन में विकृति एवं मंदाग्नि भी हो सकती है, केवल अधोवायु को रोकने से। विषैली गैस जो गंदी वायु है उसको यदि हम रोकते हैं, तो इतनी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। इन जटिलताओं की चिकित्सा के लिए स्नेहन क्रिया, घी, तेल और चिकनाई वाले पदार्थों का सेवन, मालिश, सिकाई और एनिमा आदि का प्रयोग बहुत ही लाभदायक है। इस स्थिति में पाचक खाद्य और पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अधोवात के वेग को रोकने से बचना चाहिए। जब भी आपको लगे कि मैं समूह में बैठा हूँ, तो आप बाहर चले जाइए, आप बाहर उस दूषित वायु को छोड़ करके आ जाइए, इस बात का ध्यान रखें। और पेट में कब्ज ना होने दें, जो कब्ज हो जाती है उससे फिर बहुत ही हानिकारक। आगे कह रहे हैं, उल्टी वमन का निरोध करने से, उसका उस वेग को रोकने से क्या समस्याएं होती हैं? तो वमन की इच्छा या वेग उपस्थित होने पर भी उसे रोकने से खुजली और उदर्द, कुष्ठ या छपाकी, शीत पित्त, छपाकी मतलब शीत पित्त, भोजन में अरुचि, सूजन,
चेहरे पर काले दाग, रक्त की कमी, ज्वर, जी मिचलाना, विसर्प, एक प्रकार का चमड़ी का रोग है ये। अन्य चर्म रोग, कास, श्वास, नेत्र रोग एवं शोथ सूजन उत्पन्न हो सकती है यदि उल्टी की जो है इच्छा हो रही है, आप जबरदस्ती उसको रोक रहे हैं। उल्टी की इच्छा हो तो जो उचित स्थान है वहां पर जाकर के उल्टी करनी चाहिए, लेकिन इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि जबरदस्ती आप उंगली डाल डाल के उल्टी करें, उससे हानि होगी। हाँ, एक क्रिया विशेष में जैसे आप कुंजल क्रिया करते हैं तो उसमें पेट की सफाई के लिए, आंतों की सफाई के लिए आप पानी पीते हैं पहले लगातार, और फिर उसको प्रक्रिया है, क्रिया है, उससे हम वमन करते हैं, वो आंतों की सफाई करता है, वो तो करना चाहिए, लेकिन उल्टी है भी नहीं, कुछ लोग जबरदस्ती करते हैं तो ये भी उचित नहीं होता है, वो हानिकारक है। तो इस रोग से छुटकारा पाने के लिए वमन चिकित्सा, उल्टी मिलाने वाली औषधि लेनी चाहिए, और औषधियों से तैयार धूम्रपान, उपवास, रक्त मोक्षण, दूषित रक्त निकलवाना और विरेचन आदि दस्तावर औषधियों का सेवन को प्रयोग में लाना चाहिए। इसके साथ साथ शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, रुक्ष गुण वाले खाद्य व पेय पदार्थों का सेवन भी उपयोगी है। विसर्प में क्षार एवं नमक युक्त तेल की भी मालिश लाभदायक होती है। अब आगे कह रहे हैं छींक, छींक आने पर छींकना चाहिए। कुछ लोग संकोच में छींकते नहीं हैं, डिस्टर्ब ना हो जाए, कुछ रात्रि में चुपके चुपके कुछ कार्य करते हैं तो किसी को पता ना चले तो भी छींक आती है तो जबरदस्ती रोकते हैं, वो हानिकारक। जैसे ध्यान में कोई बैठा है, सब बैठे समूह में और छींक आ रही तो भी हम रोकने का प्रयास करते हैं, ये जो स्वाभाविक प्रक्रिया है इसको हमको रोकना नहीं चाहिए। यदि आप छींक रोकते हैं तो क्या क्या हानियां हो सकती हैं? छींक रोकने से सिरदर्द, लकवा, आधी सीसी, लकवा मतलब पैरालिसिस, और आधी सीसी का दर्द, नेत्र आदि इंद्रियों में कमजोरी उत्पन्न हो सकते हैं। इसकी चिकित्सा के लिए सिर से गर्दन तक के भाग की मालिश और सिकाई करनी चाहिए यदि आपको बहुत ज्यादा छींक आ रही है, छींक का रोग हो गया है तो। औषधियों से तैयार धूम्रपान, नाक में तेल डालना आदि साधन प्रयोग में लाने चाहिए। वात शांत करने वाले पदार्थों का सेवन तथा भोजन के पश्चात घी का सेवन विशेष उपयोगी होता है। छींक यदि बार बार आती है, छींक का रोग हो गया है तो। और उद्गार, उद्गार का मतलब क्या है? डकार, खाने के बाद डकार आती है। कुछ लोग दिन भर डकारते रहते हैं, हाँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि माल खूब खा गए लेकिन डकार ही नहीं ली, दोनों स्थितियां गड़बड़ है। डकार आए तो स्वाभाविक डकार लेनी चाहिए, लेकिन यहां पर एक आक्षेप किया जाता है लोक में कि भाई इसने इतना माल दबा लिया, इतनी इसने बेईमानी कर ली और डकार तक नहीं आई है। और या कुछ ऐसे भी होते हैं कि खा करके डकार गए, इतना घोटाला किया डकार गए, मतलब अब सब हजम कर लिया, तो वो भी स्थिति ठीक नहीं है। हम स्वभाव से शारीरिक चर्चा यहां पर कर रहे हैं। तो डकार का वेग रोकने से हिचकी, श्वास फूलना, शरीर अथवा किसी अंग में कंपन होना, भोजन में अरुचि होना, हृदय और फेफड़ों की क्रियाओं का धीमा पड़ जाना, अफारा, कास आदि रोगों को यह उत्पन्न कर सकता है। आप जब छींक को रोकते हैं जबरदस्ती, छींक आए तो छींकना चाहिए। कुछ लोग जबरदस्ती भी छींकते हैं तो ये डकार की जो बात है, यहां पर मैं डकार की चर्चा कर रहा था, डकार का वेग रोकने से ये रोग हो जाते हैं कि हिचकी, श्वास, शरीर अंग या कंपन, भोजन में अरुचि, हृदय और फेफड़ों क्रियाओं का धीमा पड़ जाना, अफारा, कास आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इसके निवारण के लिए आयुर्वेद में हिचकी के लिए निर्दिष्ट उपचारों को करना चाहिए।
जो भी आयुर्वेद में है उनका उपचार करना चाहिए। जम्हाई के वेग को रोकना, जैसे जम्हाई आ रही है तो उसके वेग को यदि आप रोकते हैं तो वो भी हानिकारक है। जम्हाई का वेग रोकने से शरीर का मुड़ जाना, संकुचन, सिकुड़न, अंगों में सुन्नता आ जाती है, कंपन आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसकी चिकित्सा के लिए जो है वात को शांत करने वाले औषधियों और पदार्थों का सेवन करना चाहिए। बिना इसके जो है, क्योंकि ये संकेत भी होता है, सोने का या नींद लेने का संकेत होता है, और जो भी शरीर से उत्पन्न संकेत हैं वो उससे हानि नहीं है। संकेत हमारे लिए सावधान करने का होता है कि आप सावधान हो जाओ, ये आपकी जो है काया, आपका ये शरीर ये मांग कर रहा है, उसकी पूर्ति करनी चाहिए। क्षुधा, जो भूख का वेग है, तो भूख का वेग रोकने से, अर्थात भूख लगने पर भी भोजन न करने से, कुछ लोग बोलते रहे तुमको तो खाने की पड़ी है, तुमको जब देखो खाने की पड़ी रहे तो हमको तो काम की लगी है। अरे भाई, काम किस लिए कर रहे हो? काम किस लिए है? खाने के लिए। जो भी कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, वो बोलते हैं पापी पेट का सवाल है कि नहीं? लोग देश जाते हैं, विदेश जाते हैं, अपने घर को छोड़ के चले जाते हैं परदेश, किसके लिए? पेट के लिए। तो पापी पेट का सवाल है। इस स्थिति में जो भूख को रोकता है, भूख लगने पर भी यदि वह भोजन नहीं करता है, वो बोलता है कि कार्य को मैं पहले प्राथमिकता दूंगा, पेट को बाद में, भूख को बाद में, ठीक है। जो व्यक्ति ऐसा करता है कि सबसे पहले कार्य को महत्व देता है, अच्छी बात है, लेकिन कार्य को महत्व कब तक आप देंगे? कार्य तो अमर है, कार्य कभी पूरा हो नहीं सकता जब तक आपकी श्वास चलती रहेगी। इसलिए शास्त्रों में आया शतम विहाय भोक्तव्यम, अपने सैकड़ों कामों को छोड़ करके सबसे पहले समय पर भोजन करना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी दिनचर्या हो जाएगी, भोजन का जो विधान है वो समय पर करना चाहिए। लेकिन क्या करें, करते मरते क्या ना करते, कुछ लोग बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ऐसी स्थिति में हम अपने शरीर पर अत्याचार करते हैं। तो यहां पर भूख को जो सहन करता है, जबरदस्ती रोकता है, उसमें अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे शरीर में कमजोरी और दुर्बलता, क्षीणता आ जाती है। समय पर भोजन न करने से यकृत रोग, वातजन्य और तद्जन्य उससे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो कुछ चर्चाएं हमने की, इसकी और आगे चर्चा करेंगे, जो बिंदु रह गए हैं अभी यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।